हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस सीरीज़ में हम लोग समझ रहे हैं कि पीएसआईआर ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसमें हम लोग यूनिट 18 तक समझ चुके थे। यूनिट 19 है ये, कास्ट रिलीजन एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कास्ट के बारे में आप लिखोगे, रिलीजन के बारे में सारे पॉइंटर्स आप नोट करोगे, एथनिसिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जिससे आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। तो 40 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये जो बुकलेट है ये फ्री अवेलेबल है, synopsize.com वेबसाइट पर आप जाओगे तो मिल जाएगी आपको। तो ये आप डाउनलोड करके रखना, आप जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो, ये बुकलेट आपके हमेशा काम आने वाली है। यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा यूपीएससी क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहा है, क्या पूछता है, कौन से डायमेंशन आपको कवर करके चलने हैं अपनी प्रिपरेशन में। फिर तीसरी चीज़ आती है कि जो आपको अच्छी बुक्स रेफर करने की नीड पड़ती है अपने कॉन्टेंट बनाने के लिए, या फिर अभी कास्ट लिखा हुआ है तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कौन सा प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, या इसमें और कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने की नीड है। तो ये हमें बताती हैं कुछ अच्छी ऑथेंटिक बुक्स, जिसमें से कास्ट रिलीजन एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स ये वाला टॉपिक उस किताब में अच्छा मेंशन किया गया हो, तो वो आपको देखने की नीड पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए ये सारी बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो, जैसे कि एम एन श्रीनिवास की बुक है कास्ट सोसाइटी पॉलिटिक्स इन इंडिया, देन विद्युत चक्रवर्ती की आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया थ्योरीज एंड प्रैक्टिस, क्रिस्टोफर जेफरलॉट की रिलीजन कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, एंड सुधा पाई की कास्ट रिलीजन एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। अगर कोई सिनॉप्सिस ज्वाइन करना चाहता है तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे कवर करके और ये सारी बुक्स कवर करके एक थोरो कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट बनाया है, और जिसमें से जितने भी क्वेश्चंस आपके रहे हैं जो पिछले 40 साल में यूपीएससी ने पूछे हैं वो सारे कवर किए गए हैं, साथ में जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें से हमें जो अच्छी बुक्स में से हमें समझ में आ जाता है वो सारे टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो एक चीज़, आप जहाँ से भी अपना पीएसआईआर ऑप्शन प्रिपेयर कर रहे हो, पहली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि क्या आप जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आपके पास नोट्स हैं वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे फिर उन नोट्स का कोई काम के नहीं है, वो नोट्स कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट करता है। तो अगर ये डायमेंशंस ही कवर नहीं है तो फिर आप रैंडमली क्या पढ़ रहे हो, तो हवा में तीर चलाने वाली बात हो जाती है कि आपको कोई टीचर पढ़ा तो बहुत अच्छा रहा है या रही है, बट वो नहीं पढ़ा रही जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कास्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने क्वेश्चंस क्या पूछे, 2021 का क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन हाउ कास्ट एज अ सोशल कैटेगरी इज आल्सो बिकमिंग अ पॉलिटिकल कैटेगरी इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो आपके ये तरीके से दो क्वेश्चन हो गए, एक आपको कास्ट एज अ सोशल कैटेगरी के बारे में बात करना है और एक पॉलिटिकल कैटेगरी के बारे में बात करना है। उसके बाद इसको डेमोक्रेसी जो इंडिया में चल रही है उससे आपको रिलेट करके बताना है। तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपका, मान लो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर मैं मानती हूँ कि अगर किसी ने चलो नहीं भी कराया होगा, पर बेसिक एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एक नोट्स में फाइंड आउट करना चाहिए कि जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, कास्ट एज अ सोशल कैटेगरी एंड कास्ट एज अ पॉलिटिकल कैटेगरी, ये तो एक क्वेश्चन बनता ही है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन ये आपको प्रिपेयर कराया गया है, उस कॉन्टेंट में गिवन है या नहीं है। नहीं है तो आप फिर उनसे सवाल उठाओ कि क्यों नहीं आप पढ़ा रहे हो, इसमें से तो क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। 2016 का क्वेश्चन है एमर्जेंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। फिर 2011 का क्वेश्चन आया था इंडियन पॉलिटिक्स हैज़ इन्फ्लुएंस कास्ट एंड क्लास हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो मतलब कि इंडियन पॉलिटिक्स कास्ट को इन्फ्लुएंस करता है, कास्ट भी इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो एक तरीके से कास्ट एज अ पॉलिटिकल कैटेगरी, तो रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, 2011 में भी पूछा था, 2021 में भी पूछा था। फिर अगर कोई किसी के नोट्स में अगर आपको ये क्वेश्चन आज भी ना मिले तो फिर एक बहुत ही कंसर्न वाली चीज़ है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना तो बेसिक एक्सपेक्टेशन होती ही है। फिर 2010 का क्वेश्चन है कमेंट अपसर्ज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अमंग द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ इन इंडियन जनरल इलेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट टू डेकेड्स। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए। फिर अगेन 2009 में ओबीसी पॉलिटिक्स पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स का जो नेचर है वो चैलेंज किया है इन्होंने, फिर यहाँ पर आपको बात करनी है। फिर 2008 का क्वेश्चन आया था इफेक्ट ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। 2000 पर क्वेश्चन आया था कास्ट एंड रिलीजन एज ऑपरेटिव फैक्टर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। 1995 में क्रीमी लेयर एंड सोशल जस्टिस पर क्वेश्चन आया था। 91 में कम्युनिटी एंड कास्ट स्टिल थ्रेटन सोशल हार्मनी पॉलिटिकल पीस इन इंडिया। तो कास्ट कम्युनिटी, क्रीमी लेयर,
ठीक है, देन ओबीसी पॉलिटिक्स हो गया, बैकवर्ड क्लासेस, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, आप देख सकते हो ओवरऑल सेम सिमिलर थीम के, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो अपने नोट्स में फाइंड आउट करो कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके नोट्स से, अगर नहीं हो रहे फाड़ के फेंक दो, नोट्स का कोई फायदा नहीं है, अपने नोट्स बना लो इससे बढ़िया तो खुद, ठीक है। तो अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देती हूँ, जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये। फॉर एग्जाम्पल, आप कास्ट सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हो, उसके अंदर आप क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन ही दोगे कि कास्ट होता क्या है, इसके बारे में आप लिखोगे। फिर अंडरस्टैंडिंग बताओगे कि कास्ट सिस्टम के बारे में बताओगे, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बताओगे, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें आप लिखोगे कि इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या रहा था, कि कास्ट कैसे चलती आ रही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में बताओगे कि क्या क्या चल रहा था। इसमें आप दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दोगे, एक है एमर्जेंस ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरा है रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड कास्ट बेस्ड अफर्मेशन अफर्मेटिव एक्शन। तो इंडिपेंडेंस एरा के बाद कास्ट का क्या हुआ वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलने लगी थी, वो तो आज तक भी चलती आ रही है, सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज हुई थी, कास्ट कम्युनिटी आ गई थी इंडियन पॉलिटिक्स में, बैकवर्ड क्लासेस का एमर्जेंस आ गया था, तो ये सारे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज में ही तो आ जाएंगे, सारे सब टॉपिक्स हैं। और कास्ट और रिलीजन का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे, तो रिलीजन काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, कास्ट भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल सिस्टम को। ओबीसी पॉलिटिक्स वर्सेस डोमिनेंट कास्ट पॉलिटिक्स क्या है, तो यहाँ से आपके आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन, ये एक न्यू क्वेश्चन है, इसको आप उसी तरीके से टैकल करोगे। अब ये चीज़ कहाँ से पता लगती है, तो ये अच्छे आपके यही जो किताबें रेफर करके यही बनाए जाते हैं सारे सब हेडिंग्स, ठीक है। फिर कास्ट एज अ पॉलिटिकल कैटेगरी इन इंडिया क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पर अगर कास्ट एज अ पॉलिटिकल कैटेगरी इन इंडिया पे अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा, 2021 का 2011 का क्वेश्चन रहा है, दोनों यहाँ से आपके सॉल्व होंगे। फिर कास्ट एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसमें आप इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करोगे, कैसे इंडियन पॉलिटिक्स कास्ट को इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में आप बात करोगे, एंड वाइस वर्सा कास्ट भी कैसे इन्फ्लुएंस करती है इंडियन पॉलिटिक्स को, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर कास्ट बेस्ड वोटिंग पैटर्न्स क्या रहते हैं, कास्ट बेस्ड कैंडिडेट सिलेक्शन किस तरीके से होते हैं, कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन कैंपेनिंग क्या होती है, तो ये सारे जो भी आपका कास्ट बेस्ड इलेक्टर पॉलिटिक्स कैसी चलती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये एस्पेक्ट्स आप कवर कर सकते हो, कि तीन तरीके के एस्पेक्ट्स हैं इसमें, ये आप सारे कवर कर लो। कास्ट एंड सोशल जस्टिस क्या है, तो एक सोशल जस्टिस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कास्ट का और सोशल जस्टिस का कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर बताओगे। एम्पावरमेंट कैसे करता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ ने इलेक्शन में और पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलने लगी है हिस्टोरिकली ऑप्रेस कास्ट के लिए, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्रिमिनलेयर, सोशल जस्टिस, ये सारे आप पॉइंटर्स यहाँ पर मैंशन करोगे, जिससे आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन तो सिमिलर थीम के ही हैं, ये सारे आपके आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। फिर कम्युनिटी और कास्ट कैसे थ्रेट है सोशल हार्मनी पे, कास्ट डिवीजन का रीएनफोर्समेंट और लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं हो पाता है, इंक्लूजन उनका अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ये सारी चीज़ें आपकी चैलेंजेस और क्रिटिसिजम्स में आ जाएंगी, कि कैसे ये कम्युनिटी और कास्ट एक थ्रेट बन जाते हैं सोशल हार्मनी में, तो यहाँ से भी आपके ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स वे फॉरवर्ड क्या है, कंक्लूड कर दोगे आप इसको, तो ये आपका कास्ट का था। अब रिलीजन का टॉपिक आएगा, रिलीजन में सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के यहाँ पर पूछे गए हैं। क्वेश्चंस आप देखो, 2020 का क्वेश्चन आया था, रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, ये यूपीएससी के थोड़े से फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, जिसमें से यूपीएससी हर एक टॉपिक को उठाता है और उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पूछता है, पुराने रेलेवेंस से कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पूछ लिया जाता है, या फिर डिक्लाइन पूछ लिया जाता है किसी भी चीज़ का, या फिर उसमें एग्जाम्पल्स के स्टडीज ऐड करने को बोल दी जाती हैं। तो ये सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलीजन का रोल पूछा है पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछा है। तो यहाँ पर ये 2000 में ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था, कास्ट एंड रिलीजन एज ऑपरेटिव फैक्टर्स इन इंडियन पॉलिटी, एंड ये क्वेश्चन अगेन 2020 में रिपीट हुआ है, सिर्फ रिलीजन वाला पॉइंट अगर आप उठाते हो कि रोल ऑफ रिलीजन क्या है इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कंटेम्प्रेरी टाइम्स में। 2017 का क्वेश्चन है, रिलीजन इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स, अगेन रेपिटेटिव क्वेश्चन। 1998 का क्वेश्चन आया था, पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। फिर 1998 का क्वेश्चन आया था अगेन, हाउ फार द पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म हैव अफेक्टेड नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। अब ये जो 98 का है, पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बोलोगे कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्या है कि हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यूनिट
11 में भी हम ये पढ़ चुके हैं, आप नोट करना, यूनिट 11 खोल के देखना, और उसमें हमने ये टेररिज्म पॉलिटिक्स का पढ़ा है ऑलरेडी। 1997 का क्वेश्चन आया जिन्नास टू नेशन थ्योरी, 96 का क्वेश्चन था प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, 95 का पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म, अगेन ये देख लो ये यहाँ पर भी रिपीटेटिव है, 95 में 98 में सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ। कल्चरल सेक्युलराइजेशन 1994 का क्वेश्चन आया, तो ये आपके रिलीजन वाले क्वेश्चंस हैं। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि आपको किस तरीके से इस पूरे टॉपिक को टैकल करना है। तो इंट्रोडक्शन आप दोगे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताओगे रिलीजन और पॉलिटिक्स का पहले से क्या रहा है इंडिया में, फिर रोल बताओगे रिलीजन का पॉलिटिक्स में क्या रहा है, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी बताओगे, चैलेंजेस बताओगे नेशन बिल्डिंग में, कल्चरल सेक्युलराइजेशन बताओगे, फिर बताओगे कि रिलीजन कैसे एक मोबिलाइजिंग फोर्स प्रोवाइड करता है पॉलिटिक्स में, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है, कम्युनलिज्म कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे इस वाले इस पूरे स्ट्रक्चर से। तो आप इतना ज़रूर बिलीव रखना कि जितना भी यहाँ पर बताया गया, जो भी ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसी में से क्वेश्चंस आपके पिछले 40 साल के सारे कवर हो जाएंगे, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे। बाकी अगर एक आध क्वेश्चन कोई नया आ भी जाता है तो वो आप ये समझो कि सभी के लिए नया है, वो अगर आप नहीं भी अटैम्प्ट कर पाते इट्स ओके, 99 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर जाओगे पूरे इंडिया में ही टॉप कर जाओगे आप, वो समझ के चलना। तो जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, क्वेश्चंस शॉर्ट उसमें से बनेंगे, आप पूरा एग्जाम क्लियर कर सकते हो उससे। रोल ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड लीडर्स इन पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंस क्या रहा है इसमें आप लिखोगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कैसे आप इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में कुछ ऐड कर देना, ये सारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आजकल चलते हैं और इनफैक्ट जो कल्ट्स चलते हैं, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। रिलीजियस अपील्स एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये आप लिखोगे, कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस में कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखोगे, जैसे कि सेक्युलरिज्म पर बहुत कंट्रोवर्सीज होती है, रिलीजियस पोलराइजेशन होता है, कम्युनल वॉयलेंस स्ट्राइफ होती है, तो ये सारे पॉलिटिक्स में आप लिखोगे, जिसके अंडर कंट्रोवर्सी चैलेंजेस में ही आपका आएगा कि रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स क्या है। फिर ऐसे रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस और कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स आप लिखोगे, तो इसके तो बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, आप कुछ भी इतनी सारी केस स्टडीज़ हैं कितनी सारी आप मेंशन कर सकते हो। फिर कम्युनल वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं, क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं कि हमने लीगल मेजर्स के थ्रू इनको टैकल किया हो। फिर पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म, ये भी एक तरीके का आपका चैलेंज बनता है, तो यहाँ पर आप इसको मेंशन करोगे। फिर कैसे आप रिलीजन और सेक्युलरिज्म को बैलेंस करते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आप कौन से लोगे, लीगल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, फिर सिविल सोसाइटी मीडिया का क्या रोल है इन सब चीज़ों में, ये आपका कंटेम्प्रेरी टाइम्स का जो क्वेश्चन है वो सारा कवर करेगा बहुत अच्छे से। फिर आपका फ्यूचर आउटलुक और कंक्लूड कर दोगे आप इसको, ठीक है। फिर एथनीसिटी पढ़ने के लिए हम सबसे पहले तो समझेंगे कि एथनीसिटी पे क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन 2022 में रिसेंटली क्वेश्चन आया अभी कि एथनीसिटी जो है वो एक अंडरलाइन कॉज बनता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके रेजोल्यूशन नहीं होने देता है, मतलब एक चैलेंज पोज करता है एथनीसिटी। फिर 2018 में भी अगेन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ही एथनिक कन्फ्लिक्ट पर क्वेश्चन आया था। फिर 2002 में भी यही सेम ट्राइबल पीपल्स मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट पर क्वेश्चन आया था। फिर 2014 में क्वेश्चन पूछा था एथनीसिटी डेमोक्रेसी के रिलेशन पर। फिर 2013 में क्वेश्चन पूछा था फिनोमिनन ऑफ एथनिक पॉलिटिक्स इन इंडिया इन रीसेंट टाइम्स। फिर 1995 में अगेन एथनिक सेपरेटिज्म पे क्वेश्चन पूछा था। तो एथनीसिटी में मोर और लेस सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, सिमिलर थीम पे क्वेश्चन आया, एक नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन आया, एक एथनीसिटी को पॉलिटिक्स से रिलेट किया हुआ है, चाहे डेमोक्रेसी से, एथनिक पॉलिटिक्स से, एथनिक सेपरेटिज्म से, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहिए जिससे कि आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रोबेबल क्वेश्चन कवर होंगे। एथनीसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स में इंट्रोडक्शन दोगे आप, दो लाइन में आप इंट्रोड्यूस कर दोगे इसको कि होता क्या है, ठीक है, इससे ज़्यादा मत जाना, वो हम कंसेप्ट में क्योंकि आगे सारा समझ लेते हैं, क्लियर हो जाता है, दो लाइन काफ़ी हो जाती है, और दो लाइन आपको इतनी सिंपल रखनी है जिससे कि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए, आप सिंपल लैंग्वेज में एग्जामिनर को समझा पाओ, एग्जामिनर के मन में ये विश्वास हो जाना चाहिए इतनी सिंपल आपकी लैंग्वेज देख के कि इस बंदे को आता है, ठीक है। जो बंदा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करने लगता है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स और ऐसे बढ़ा चढ़ा के शब्द यूज़ करता है, वो क्या होता है, वो कन्फ्यूजिंग सा एक पोर्ट्रेयल दे देता है अपने आंसर का, तो वो चीज़ मत करना, बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म्स में अपना आंसर आप प्रेजेंट करोगे तो आसान भाषा में अगर आप बात करते हो तो चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आ जाती है ना, बस वो चीज़ आपको रखनी है। फिर एथनीसिटी एज पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, इसमें एथनीसिटी और डेमोक्रेसी के बीच का आप रिलेशन यहाँ पर बताओगे, तो एथनीसिटी एज पॉलिटिकल आइडेंटिटी पूरा आप यहाँ पर कवर कर दोगे, एथनीसिटी को
पॉलिटिक्स में कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है, पॉलिटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करता है इसको, ये सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसका क्या रहा है, फिर वो उसमें आप सारे डिटेल्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। फिर एथनिक पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या चलती आ रही है, जिसमें रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन क्या है, फिर रीजनलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किस हिसाब से चल रही है यहाँ पर, कंटेम्प्रेरी एथनिक पॉलिटिक्स कैसी चल रही है आजकल की, आप अलग अलग रीजन्स की बात करोगे, फिर नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल मूवमेंट की भी आप बात करोगे। कंटेम्प्रेरी एथनिक पॉलिटिक्स में नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जितना भी आपका एथनिसिटी के इश्यूज अराइज हो रहे हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो सारे आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में आप बात करोगे, फिर यहाँ पर चैलेंजेस कंट्रोवर्सीज आएंगी, यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो, इनफैक्ट केस स्टडी के अंडर यहाँ पर डाल सकते हो, क्योंकि एक चैलेंज पोज करता है। तो कम्युनलिज्म और रिलीजियस पॉलिटिक्स की आप बात करोगे यहाँ पर, बैकलैश रेजिस्टेंस की बात करोगे, क्या क्या हुए हैं यहाँ पर, आप थोड़ी सी केस स्टडीज मेंशन कर दोगे एग्जांपल्स के साथ इसको लिखोगे। एथनिक सेपरेटिज्म यहाँ पर आप मेंशन करोगे, फिर केस स्टडीज एग्जांपल आप क्लियरली यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताओगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, एथनिसिटी चैलेंजेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या रहे हैं, ये सारे आप अच्छे से मेंशन करोगे डिटेल में। फिर यहाँ अब ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर आप सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताओगे, यहाँ पर आप चैलेंजेस बताओगे आप कि क्या उसको वो रिजॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं, एथनिसिटी अभी भी क्यों है ये प्रेवलेंट, ये चीज़ें चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही प्रॉब्लम, वो चीज़ आप मेंशन करोगे यहाँ पर, ठीक है। फिर एथनिसिटी और डेवलपमेंट की बात करोगे आप, ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नेशन बिल्डिंग की बात करोगे, एंड देन कंक्लूड कर दोगे। तो जब हम एंड में जाते हैं ना, एंड में जाते जाते उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके और कंक्लूड कर देना चाहिए। ये आपका पूरा यूनिट था, इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले 40 साल में हमने कवर कर लिए, और जितने प्रॉबेबल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से इन किताबों से इनकी एडिंग सब एडिंग उठाई और कवर कर लिए। और ये बात आप ध्यान रखना, कोई भी नया क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो एग्जामिनर या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफ़र करता है, और या फिर दूसरी चीज़ जो मेन रेफ़र की जाती है वो ये बुक्स रेफ़र की जाती हैं, जो अच्छी बुक्स हैं। और ये जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई है ना, काफ़ी फेमस बुक्स हैं, और हर एक यूनिट के लिए ना कुछ ऐसी फेमस बुक्स होती हैं जहाँ से एग्जामिनर उठाता है और क्वेश्चंस पूछता है। फॉर एग्जांपल यूनिट 1 में हम ये चीज़ देख चुके हैं, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन आया था 2019 में, 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और राजीव भार्गव अशोकाचार्य बुक है, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजीव भार्गव की बुक से, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक से, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दो बार पूछ लिया। तो हमने आगे अपनी तरफ से भाई वही बुक रेफ़र करके एक क्वेश्चन और प्रिपेयर कर लिया था कि नीड क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की, कभी पता लगे अगले साल ये क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो आपको ये जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है ना, वो इन किताबों से ही पता लग सकते हैं, और कहीं से आपको पता नहीं लग पाएंगे। एग्जामिनर खुद थोड़ी ना बना रहा है कॉन्टेंट, कहीं ना कहीं से तो रेफ़र करेगा ही ना, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो और कोई भी अगर इशू हो, कोई भी कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ देना। हम लोग अब डाउट सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जितने भी कमेंट्स आपने डाले होंगे, जो भी आपको इश्यूज होंगे, उस पे हम लोग सारे कमेंट्स लेके एक एक करके डाउट्स रिजॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे से मैं शॉर्ट्स बना दूंगी आपके लिए, वीडियोस से बना दूंगी, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड जस्ट वन मोर थिंग, ये हम लोग की वेबसाइट है synopsisis.com, कोर्सेज में जाओगे आप, ऑप्शनल कोर्सेज में जाना, तो ऑप्शनल कोर्सेज में आपको मिलेंगे PSIR ऑप्शनल का कोर्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, डिटेल्स में आप जाना, तो डेमो कंटेंट पर जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको ये जो बुकलेट है 40 इयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये आपको मिल जाएगी। तो ये आपको दो चीज़ें हमेशा अपनी तैयारी करते हुए अपने साथ रखनी है, एक तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट, और दूसरी सिलेबस। सिलेबस से आपको टॉपिक्स पता लग जाएंगे कि ये डायरेक्ट टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगेगा कि टॉपिक्स के अंडर और क्या पढ़ना है, और फिर आप किताबों पे जाओगे थर्ड लेवल पे, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि किताबों से आपको कंटेंट मिल जाएगा उन क्वेश्चंस का जो कि यूपीएससी पूछ चुका है, और जो आपके डायरेक्ट टॉपिक है, सिलेबस का यूनिट है, वो सारा कंटेंट पता लग जाएगा, साथ में वो कंटेंट भी समझ में आ जाएगा जो कि प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कि जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, जिसमें मुझे बहुत सालों लग गए करने में, क्योंकि मैं मार्केट में गई, मेरे को कुछ मिला नहीं था वहाँ पर, और इस तरीके का कुछ मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे ये एटलीस्ट कोई बताए कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या क्या हमें पढ़ना है, और मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें चाहिए थी, और मार्केट में बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही हाफजार्ड में भी मिल रही है। इनफैक्ट जब मैंने नोट्स उठाए थे जो मैंने मार्केट से खरीदे थे, वो मुझे ये समझ में आया था कि ये नोट से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उन नोट्स का, है ना। तो आपको ये मेन अपना ध्यान यहीं रखना है, सिलेबस आपके
सिलेबस की यूनिट सॉल्व होनी चाहिए, सिलेबस के टॉपिक सारे आपके सॉल्व होने चाहिए आपके नोट से। दूसरी चीज़, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व होने चाहिए नोट से, और जो आपके प्रोबेबल क्वेश्चन हैं उसके टॉपिक्स आपके नोट्स में होने ही होने चाहिए, तभी आप आगे का आगे के लिए कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम के टाइम में। तो इतना ही है, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।